नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है परमार वंश, उत्तराखंड के परमार या पवार राजवंश। और इससे पहले हम कार्तिकेय पुर वंश पढ़ चुके हैं, कौन कौन राजा थे, कत्यूरी पढ़ा थोड़ा सा, और फिर पढ़ा कुमाऊँ में चंद वंश, कुमाऊँ में चंद वंश। तो आज पढ़ते हैं हम परमार वंश गढ़वाल के। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 9वीं शताब्दी तक क्या हुआ, देखिए हर्षवर्धन के बाद अराजकता की स्थिति रही, ओके। तो यहाँ भी गढ़वाल में भी कहा क्या हुआ, 9वीं शताब्दी तक जो है पूरा अराजकता की स्थिति थी, और ये पूरा जो गढ़वाल क्षेत्र था पूरा 52 गढ़ों में विभाजित हो गया था। इसको ठकुरी भी बोलते हैं, 52 गढ़ों में इसको ठकुरी भी बोलते हैं। और इनमें जो सबसे शक्तिशाली था वो था चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी कौन सा था? यस, चांदपुर गढ़ी अर्थात चमोली वाला, ये गढ़ सबसे शक्तिशाली था। और इनके राजा थे भानु प्रताप, इनके राजा थे भानु प्रताप। अब 887 में क्या हुआ, 887 में गुजरात के धार के एक शासक आए कनकपाल, यहाँ पर तीर्थाटन पर, ओके। तो कनकपाल आए तीर्थ घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, तो भानु प्रताप जी ने इनका स्वागत किया और अपनी पुत्री का विवाह इनसे कर दिया। और 888 आसान है, 888 अर्थात 888 में परमार वंश की नींव रखी गई। इसके बाद और इनके बाद और भी कुछ शासक आए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा बाद में अजयपाल था। कौन था? अजयपाल, यस, अजयपाल 37वां राजा था। देखिए 37वां भी याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में, उत्तराखंड की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि वो कौन सा राजा था। तो अजयपाल जो था 37वां राजा था, और 1500 से 1519 तक इसका शासन रहा, और ये बाबर का समकालीन था। बाबर का समकालीन, देखिए बाबर का समकालीन है, लेकिन बाबर का भी भारत पर आधिपत्य स्थापित नहीं हुआ है 19 तक, ओके। अगर मैं पूछूं कि कौन सा चंद शासक बाबर का समकालीन था, बताइए जरा, बताइए। यस, वेरी गुड, भीष्म चंद, पढ़ा था ना हमने भीष्म चंद। तो इसका मतलब भीष्मचंद और अजयपाल समकालीन थे, वो भी बाबर का समकालीन, ये भी समकालीन, ओके। अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जो ये छोटे छोटे ठकुरिया गढ़ों में विभाजित थे, इन्होंने सबका एकीकरण किया, और जब एकीकरण किया तो साम्राज्य इनका बढ़ गया, तो स्वाभाविक है राजधानी स्थानांतरित होगी, सेंटर में ऑलमोस्ट रहेगी। तो जो चांदपुर गढ़ था उसकी स्थानांतरित राजधानी इन्होंने स्थानांतरित कर दी, और राजधानी हो गई देवलगढ़, और देवलगढ़ के बाद इन्होंने कर दी श्रीनगर। तो पहले चांदपुरगढ़, भाई यही तो था, चांदपुरगढ़ी में था इनका साम्राज्य, फैला, देवलगढ़ हो गया, उसके बाद श्रीनगर तक ये राजधानी हो गई, यानी कि श्रीनगर के आसपास तक, दूर दूर तक इनका साम्राज्य स्थापित हो गया, ओके। इसी ने, अजयपाल ने ही, जो कत्यूरी शासक थे, इनसे सोने का जो सिंहासन था वो छीना था। तो महत्वपूर्ण बात है, कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन अजयपाल ने छीना था। और एक और बात कि जो परमार वंश है, राजवंश है, इनको एक उपाधि दी गई शहक, जो शाह की उपाधि, जो अंतिम समय तक चली, और ये दी थी बहलोल लोधी ने। और बहलोल लोधी, देखिए 1526 में बाबर का आक्रमण होता है, और 1526 से पहले जो भारत पर आधिपत्य है वह है लोधी वंश का, अफगानों का है, लोधी वंश का, ओके। तो भी लोधी है यहाँ, इस समय क्या है, लोधी भारत पर आधिपत्य कर रहे हैं, ठीक है। 1526 में बाबर अटैक करेगा, तो बहलोल लोधी ने इनको कौन सी उपाधि थी, यस, शाह की उपाधि थी, और किसको दी, बलभद्र शाह को। तो बहलोल बलभद्र शाह मिलता जुलता है, बहलोल बलभद्र शाह आराम से याद हो जाएगा। तो बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी, और इनके बाद से शाह की उपाधि चली गई, क्लियर। अब इस राजवंश की एक और महत्वपूर्ण बात है कि इनकी एक महत्वपूर्ण रानी थी गढ़वाल की संरक्षिता का, थी रानी कर्णावती। हमने जब महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पढ़े तो उसमें इनके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ा था, तो उसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन 1636 में शाहजहाँ का सेनापति था नजावत खां। तो नजावत खां को भेजा था गढ़वाल पर अटैक करने के लिए, रानी कर्णावती ने अपनी चतुराई का प्रयोग किया, और अपनी चतुराई से उल्टा इसके नाक कान कटवा दिए, इसके सैनिकों के भी। तो
ये फाइनली क्या हुआ, जो ये गढ़वाल की इतनी ध्रुव स्थिति है, दुर्गम क्षेत्र है, तो अंतिम समय तक भी मुगल ऊपर तक साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए, अंत समय तक भी। हाँ, इनके समय कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे मानोदय काव्य, मानोदय काव्य, ओके, गढ़ राजवंश, सुदर्शनोदय या सभागार, ओके। तो जो मानोदय काव्य है वो सबसे प्राचीन है, और इसके जो रचयिता है वो है भरत कवि। यस, कौन है? भरत कवि। यस, भरत कवि हैं। और कौन? यस, मानोदय काव्य के सबसे प्राचीन है। और सभागार भी महत्वपूर्ण है, कई खंडों में लिखा गया है, और इसके जो रचनाकार है वो है सुदर्शन शाह। और सुदर्शन शाह ने लिखा गया सूरत कवि के नाम से इसकी रचना की। तो सूरत कवि कौन हुआ? यस, सुदर्शन शाह। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब वन बाय वन करके देखते हैं, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है वही लिखे हैं, और जो जो उनके महत्वपूर्ण काम है या उनके दौरान क्या घटना घटी। तो सबसे पहले कनक पाल भाई साहब थे 887 में, ठीक है, पढ़ लिया, ओके। परमार वंश की स्थापना इन्होंने कर दी। फिर 37वां शासक आया अजय पाल, इसने पूरे जो गढ़वाल क्षेत्र था सब किलों को जीता और उसका एकीकरण किया। तो एकीकरण पूछा जाए तो अजय पाल। बलभद्र शाह को बहलोल लोदी ने शाह की उपाधि दी। किसको दी? रिप्लाई कीजिए, यस, बलभद्र शाह। ये नाम याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पृथ्वीपति शाह के बारे में क्या महत्वपूर्ण बात है? इन्होंने दारा सुलेमान शिको, जो दारा शिको का बेटा था, या औरंगजेब का जो भतीजा था, औरंगजेब का भतीजा दारा शिको का बेटा, इनको आश्रय दिया। किन्होंने? यस, पृथ्वीपति शाह ने। तो औरंगजेब इनसे नाराज हो गया। दरअसल क्या था, दारा शिको उदारवादी था, सूफी कैटेगरी का था, और ये तो कट्टर था ही औरंगजेब, पता ही आपको। इनके बाद है मानशाह। मानशाह के समय, अभी हमने बात की मानोदय काव्य, मानशाह के समय मानोदय काव्य की रचना हुई, भरत कवि ने इन्होंने की। तो अगर पूछा जाए भरत कवि किसके समकालीन थे या किसके दरबार में थे? यस, मानशाह। और महीपति शाह और मानशाह के समय तिब्बती अटैक हुए, चंदो के समय भी हुए थे। प्रद्युम्न शाह, अब यहां से थोड़ा फोकस कीजिए। देखिए, प्रद्युम्न शाह के समय चमोली में क्या है, बल्कि गढ़वाल क्षेत्र में एक जबरदस्त भूकंप आया था। और जब भूकंप पूछते हैं तो वो भी पूछते हैं कि सबसे बड़ा भूकंप कब आया था निम्न में से। तो जहां तक मुझे आ रहा है चमोली में आया था 1803 में, और शायद नौ नौ तीव्रता का था, नौ रिएक्टर स्केल पर, नौ तीव्रता का बहुत जबरदस्त भूकंप था, और पूरा जो गढ़वाल क्षेत्र था अस्त व्यस्त था। और इसी समय का लाभ उठाया किसने? अमर सिंह ने और हस्तीदल चौतरिया ने। अमर सिंह ने और हस्तीदल चौतरिया ने और गढ़वाल क्षेत्र पर अटैक कर दिया। तो बहुत उल्टा और नुकसान हुआ, एक तो भूकंप की वजह से नुकसान प्रद्युम्न शाह को, और दूसरा अटैक की वजह से नुकसान। तो इन्होंने अपने गहने वगैरह जो भी गोल्ड था सब सहारनपुर में गए, ये वहां बेचा, सेना को पुनः संगठित किया। फिर युद्ध हुआ 1804 में खुड़बुड़ा में, देहरादून में खुड़बुड़ा मैदान में युद्ध हुआ, और ये वीरगति को प्राप्त हुए। कौन? प्रद्युम्न शाह। यस, प्रद्युम्न शाह। इनके जो बेटे थे प्रीतम शाह, उनको जो कुंवर थे उनको कैद कर लिया और काठमांडू भेज दिया गया, काठमांडू भेज दिया गया। सुदर्शन शाह, अब सुदर्शन शाह हरिद्वार पहुंचे, और इन्होंने गढ़वाल की स्वतंत्रता का ये प्रयास करते रहे, और इनके निवेदन पर, इनके आग्रह पर, इनके प्रयास पर 1814 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपना सेना भेजी गढ़वाल क्षेत्र में और गोरखों पर अटैक किया, और 15 में गढ़वाल स्वतंत्र हो गया। तो भाई, चूंकि अंग्रेजों ने इनकी सहायता की थी, तो फ्री, तो वो फ्री में तो कुछ नहीं करने वाले थे। तो 7 लाख की बात हुई थी, तो 7 लाख ये नहीं दे पाए। तो जो पूर्वी भाग था गढ़वाल क्षेत्र का, जो पूर्वी भाग था वो इनको अंग्रेजों को देना पड़ा। तो आधा इनको साम्राज्य बचा, और आधे में फिर इनको क्या है, अपने साम्राज्य की राजधानी वापस लेनी पड़ी, यानी कि सिकोड़नी पड़ी। तो जो श्रीनगर राजधानी थी, अब इन्होंने क्या कर ली? टिहरी स्थापित कर ली। ओके, सबसे पहले कौन सी थी? चांदपुरगढ़ी, फिर देवलगढ़, फिर श्रीनगर, पहले बड़ी और फिर श्रीनगर से फिर वापस टिहरी कर दी। ओके, तो सुदर्शन शाह के समय राजधानी कहाँ हुई? टिहरी। तो पूछा जा सकता है किसके समय राजधानी श्रीनगर से टिहरी हुई? यस, सुदर्शन शाह के समय। इनके बाद है भवानी शाह, भवानी शाह के बाद है प्रताप शाह,
इन्होंने टीरी गढ़वाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की, कहीं ये भी पूछा गया कई बार। इसके बाद आए कीर्ति शाह। इनके बारे में विशेष बात यह है कि अंग्रेजों ने इनको CSI की उपाधि दी, CSI की उपाधि इनको दी। नरेंद्र शाह आए। नरेंद्र शाह के समय प्रजामंडल की मांग उठी, अर्थात रियासत खत्म करो, इसको सामान्य, इसको लोकतंत्र स्थापित कीजिए यहाँ पर, ऐसी मांग उठने लगी प्रजामंडल की। तो फाइनली मानवेंद्र शाह के समय, मानवेंद्र शाह के समय जो 1 अगस्त 1949 तक रहे, 4 सदस्य प्रजामंडल बना और इसको 1 अगस्त 1949 को यूपी का एक जिला बना दिया गया। तो अंतिम समय यानी कि आज़ादी के बाद तक रहे, 1947 के बाद भी, यस 1 अगस्त 1949 तक। एक रिवीजन करते हैं, 9वीं शताब्दी थी, 9वीं शताब्दी तक 52 गढ़ों में विभाजित था। तो सबसे शक्तिशाली कौन सा था, रिप्लाई कीजिए, यस चांदपुर गढ़ी अर्थात चमोली। इनका राजा कौन था यहां पर, यस भानु प्रताप। भानु प्रताप 887 में यहां कौन आया, गुजरात से, धार से, यस कनकपाल। कनकपाल का स्वागत और अपनी बेटी की शादी किसने की, यस भानु प्रताप ने की। और परमार वंश की नींव कब हुई, कब पड़ी, या परमार वंश की स्थापना, यस 888 याद कर लीजिए। शक्तिशाली राजा अजय पाल 37वां राजा आया। किसका समकालीन था, यस बाबर का समकालीन था। इसने क्या काम किया, रिप्लाई कीजिए, यस एकीकरण किया, गढ़वाल का एकीकरण किया और राजधानी देवलगढ़ और फिर श्रीनगर। सिंहासन किसने छीना, कतियोरों से सोने का सिंहासन किसने छीना, यस शाह की उपाधि किसने दी, शाह की उपाधि, यस बहलोल लोधी ने किसको दी, बलभद्र शाह। रानी कर्णावती ने किसके नाक कान कटवा दिए, यस शाहजहां का सेनापति नजावत खां। मानोदय काव्य, मानोदय काव्य, यस मानोदय काव्य मानशाह के समय। कवि बताइए, कवि, यस भरत कवि। सुदर्शन शाह गढ़ राजवंश सभागार किस नाम से, बताइए जरा, यस सूरत कवि। किन्होंने, यस सुदर्शन शाह ने। कनकपाल आ गए, ठीक है, अजय पाल आ गए, एकीकरण हो गया, बाबर के समकालीन हो गए, बलभद्र शाह को शाह की उपाधि मिल गई। पृथ्वीपति शाह, सुलेमान पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान शिकोह को यह शरण दी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मानशाह मानोदय काव्य, तिब्बती अटैक का सामना किया, महीपति शाह, ठीक है, तिब्बती अटैक का सामना किया। प्रद्युम्न शाह, यस 1803 गोरखों ने अटैक किया, किस किस ने, अमर सिंह थापा, हस्तीदल, चौतरिया, यस। फाइनल युद्ध कब हुआ, यस खुड़बुड़ा के युद्ध में देहरादून वीरगति को प्राप्त हुए। बेटे को कहाँ ले गए, काठमांडू जेल, यस। सुदर्शन शाह आए, सुदर्शन शाह 1814 हरिद्वार गए, ये हरिद्वार रहे, संघर्ष करते रहे। और फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये ध्यान रखना, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स का था, 1773 में है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो अटैक किया गोरखों पर, फाइनली 15 में स्वतंत्र करा दिया, पूर्वी भाग अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। फिर आए भवानी शाह, प्रताप शाह, टीरी गढ़वाल में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की इन्होंने की, यस प्रताप शाह, प्रताप शाह। फिर आए कीर्ति शाह, यस CSI की उपाधि इंपॉर्टेंट पूछते हैं। फिर नरेंद्र शाह, प्रजामंडल की मांग, प्रजामंडल किसके समय बना, यस मानवेंद्र शाह। और मानवेंद्र शाह कब, एक यस बताइए जरा, हाँ जी 1 अगस्त 1949, और यूपी का एक जिला बन गया। तो अंतिम समय तक अंतिम जो शासक था मानवेंद्र शाह थे। क्लियर, बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिल गए और एक थोड़ा सा सीक्वेंस में थोड़ा सा मिल गया आपको, तो याद करने में आसानी होगी। तो देखिए एक दो बार तो देखना ही पड़ेगा, एक बार में पूरे फोकस के साथ देखेंगे तो एक बार भी 90% आपको याद हो ही जाएगा। कुछ क्वेश्चन बोलने से पहले मैं अपनी एक एक निवेदन था, बल्कि आपसे ये कहना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा,
देखिए, हम सब चाहते हैं हमारा देश स्वच्छ रहे, साफ रहे, ठीक है। भारत सरकार की तो जिम्मेदारी है या स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लाने के लिए या दृढ़ता दिखाने के लिए, लेकिन हम अपने स्तर पर भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं अपने देश को साफ करने के लिए। तो मेरा मात्र आपसे ही निवेदन है कि जब भी हम सामान लाएं, सब्जी लाएं, तो कम से कम एक कपड़े का थैला या जो भी आपका स्टाइलिश बैग है तो उसमें भी आप ला सकते हैं। तो आपको पन्नी लेने की जरूरत नहीं है, आप पन्नी को मना कीजिए। जब आप कुछ सामान लेंगे तो वो आपको पन्नी में डालकर देगा, कोई फल फ्रूट लेंगे, और हो सकता है अगर आप पन्नी लेने से मना करें तो आप बोलेंगे कि कपड़े वाली या जूट वाली दे दीजिए, तो वो मन बोलेगा कि नहीं जी, आजकल तो यही चल रही है और बस जी यही है हमारे पास और नहीं है, ठीक है। तो आप उसको रिफ्यूज कर दीजिए, आप उसको बोलना भाई जूट वाला बैग देना है तो दो, अदरवाइज नमस्ते। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो वो सब लोग भी जूट वाला बैग लाने को मजबूर हो जाएंगे। और आप भी कोशिश कीजिए, कोई भी सब्जी लेनी है, फल फ्रूट लेना है, या परचून की शॉप से कोई सामान लाना है, तो पॉली ना ले, बैग में डाले, बैग में, ठीक है। हम वन बाय वन ऐसे करते जाएंगे तो धीरे धीरे सबकी हैबिट हो जाएगी। ध्यान दीजिए, जब किसी देश के जो नागरिक है आदर्श बनते हैं, अनुशासित होते हैं, तभी वो देश भी अनुशासित होता है। खाली रूल्स लाने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने आप भी प्रयास करने पड़ेंगे। तो मेरा बस यही निवेदन है कि कृपया अपने जो हमारा देश है उसको साफ करने में सहयोग कीजिए, थोड़ा दृढ़ बनिए, अनुशासित। हाँ, अब क्वेश्चन लिखिए। हालांकि मैं समझता हूँ आप बहुत सभी लोग समझदार हैं और बहुत सारे ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करते होंगे। परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश की स्थापना गढ़वाल में कब हुई? बाबर का समकालीन परमार वंश का शासक गढ़वाल का एकीकरण किसने किया? परमार वंश का 37वां शासक का नाम बताइए। कत्यूरियों से सोने का सिंहासन किसने छीना? शाह की उपाधि किस अफगान शासक ने दी? शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला परमार शासक रानी कर्णावती ने किस मुगल बादशाह के सेनापति और सैनिकों के नाक कान कटवा दिए? मानवोदय काव्य के रचनाकार, सभागार काव्य के रचनाकार का नाम बताइए और किस नाम से? सुलेमान शिकोह को शरण देने वाले परमार शासक का नाम बताइए। अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया ने, जो गोरखे थे, गोरखे शासक ने किनके समय गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण किया और कब? प्रद्युम्न शाह और अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के बीच 1804 का युद्ध कहाँ लड़ा गया? सुदर्शन शाह के आग्रह पर किस गवर्नर जनरल ने गोरखों पर अटैक किया? टिहरी राज्य की पुनः स्थापना के बाद राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की गई? टिहरी गढ़वाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? अंग्रेजों ने किस परमार शासक को CSI की उपाधि दी? प्रजामंडल की स्थापना किस परमार शासक के समय हुई? टिहरी साम्राज्य में, या कहें गढ़वाल साम्राज्य में परमार शासक का अंत कब हुआ? या ये कहिए कि टिहरी का विलय उत्तर प्रदेश में एक जिले के रूप में कब हुआ?
ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा इस डिस्कशन को। तो समापन करते हैं और मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छा और सरल से सरल भाषा में आपके साथ डिस्कशन करने की, ताकि आपको आसानी से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो ठीक है, नमस्कार, समापन करते हैं और जय हिंद, जय भारत।